और चंद्रा सूर्य से चार बार के साथ उनका टिकट काट दिया गया। कोई आरोप कोई प्रत्यारोप नहीं, इसलिए टिकट काट गया कि राणा प्रताप के समाज में यही नहीं, अब पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश में एक सीट, राजस्थान में एक सीट समाज है, तो संघर्ष और शौर्य का प्रतीक है। जब अपमान होगा तो क्षत्रिय अपने अपमान का बदला राजीव गांधी भी संघर्ष का प्रतीक है, राजीव राय जी संघर्ष के प्रतीक है, क्षमा करिएगा। राजीव राय जी पढ़ने गए बनवाओ अपनी पहचान वहां बनाए और इसके बाद भी अपने इलाके को नहीं छोड़े, ये बड़ी बात नहीं। राणा प्रताप भी तो मैंने कहा कि मेवाड़ की युद्ध के लिए अरावली की पहाड़ियां बनाकर भी मेवाड़ को कभी बुरा नहीं थे उन्होंने दिए, तो आज ही राय जी भी कहीं ना कहीं राणा प्रताप के मन मिजाज और तबियत के मजबूत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मौत का चुनाव अब तक ये इतिहास में सबसे शानदार बेहतरीन चुनाव है। क्षत्रिय समाज क्या यहाँ लोटे में नमक डालवा? मैं जब आया हूँ सुधाकर भाई यही है पूरी भाषा बनाए, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये भाई थे श्री चंद्रशेखर जी पर ज्यादा मुकद्दर थे, जो दो कदम चले वो भी साथ है, जो चार कदम चले वो भी साथ है, जो मंदिर जो तरह है वो भी साथ है, जसवंत जी साथ छोड़ गए हैं, जसवंत सिंह कुछ समय के लिए कहीं गए हैं, लेकिन राजीव राय क्षत्रिय समाज दोस्ती किससे करेगा, दुश्मनी किससे करेगा? अभी भी आपको नहीं बता बताइए आज से और उत्तर प्रदेश बिहार तक बता दिया, इस बार क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद करने जा रहा है, और मैं आज कह रहा हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा झारखंड दुनिया पर। भविष्यवाणी आप भी कर रहे हैं? भविष्यवाणी आप भी कर रहे हैं? भविष्यवाणी नहीं कर रहा, हम लोग संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं। अच्छा ये बताइए देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कब आदमी बोलता है जब फ्रस्ट्रेशन में हो, कब बोलता है डिप्रेशन में हो, कब बोलता है जब सामने उसको कुछ नहीं दिखाई देता है तब ये बात बोलता है। अब आप सोच सकते हैं मेरे सगे चचा का लड़का रिपोर्ट में बना है, मुझे अभी जाना इसी में मैं थोड़ा भी निश्चित होता, एक तरफ मेरा भाई की लाश पड़ी हो, दूसरे तरफ हमारे मित्र का और संघर्ष का प्रतीक हो मैं आया हूँ, क्या भैया भैया परीक्षा ही ले रहे हैं, परीक्षा मत दो मैं और भी आऊंगा और आपकी राय को देश की पंचायत में भेज कर ही जाऊंगा। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राणा प्रताप की जयंती नहीं मनाने जा रहा है, तो राणा प्रताप को मानने वाले उनके जितने भी पंसद होगा एक एक वोट राजी राय को देकर उस अपमान का बदला लेने का काम करेंगे, और बताएंगे कि राणा प्रताप हर जात धर्म में जब रहे लोग संघर्ष की पहचान है, जो संघर्ष शौर्य क्या पहचान है, जो कुर्बानी और त्याग की पहचान होगी वो किसी जात धर्म का पहचान का होगा, जानवर बनने में ही मजा है, तो भगवान को मुबारकबाद दे, क्योंकि आदमी भगवान भी आता है तो इंसान बन के आता है, और वो आदमी के जन्म लेकर जानवर बनना चाहते तो उनको जानवर बनने का मुबारकबाद, उनको बधाई, वो जानवर रहे, शेर तो जंगल में रहता है, बाज बहुत चले हैं, जंगल में जाए, उनका कहना है कि सफल है लड़ाई में, तो वक्त बताएगा, वो तो सहारनपुर से पता कर लीजिए, कैराना से पता कर लीजिए, अलीगढ़ से पता कर लीजिए, बदायूं से पता कर लीजिए, मैनपुरी से पता कर लीजिए, फिरोजाबाद से पता कर लीजिए, आवला से पता कर लीजिए, और रिजल्ट जाने दीजिए, बड़का बड़का बोलने से
आज ही में कोई गिरा हो आप पाले तो बगीचा उसके बाप का नहीं होता है, बगीचा का जो मालिक होगा तो उसी का बगीचा रहेगा। इस बात को वो मरने की नहीं मरेंगे, उनका जन्म कुंडली जी लिखने वाले कौन है, ये जो सचार है पंडिताचार्य है या इस देश के सबसे बड़े गणितज्ञ है, अपना तो जीत गए जीत गया किसी तरह, हम लड़के तो समझ में आएगा और आप पता कर लीजिए गुजरात से चली है उत्तर प्रदेश और बिहार के तूफान बन के खड़े, आप खाली मऊ में खड़े इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, आप मैनपुरी गढ़िया जाने दो, बधाई गढ़िया जाने दो, जहाँ प्रत्याशी समाज का है फिरोजाबाद वहाँ भी अच्छे प्रताप जीत रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलत काम क्या हुई भारतीय जनता पार्टी से, यादव और मुसलमान मजबूत कौन दस साल से दबाने का काम किए, जब सोचे कि दोनों को दबा दिए तो ठाकुर को भी दबा दे, और इन्होंने ठाकुरों को गुजरात से शुरू किए, आप पता कर लीजिए छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं मिला, रमन सिंह के जो स्पीकर उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, और बताने का काम यही है राणा प्रताप जो भी चिंता दिल इंसान होगा जो भी संघर्ष का और शौर्य का प्रतीक होगा किसी जान धर्म और मजहब का होगा और राणा प्रताप को मानने से कोई रोक नहीं सकता, और इसीलिए आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े कस्बों में बड़े बड़े शहरों में आज का दिन राणा प्रताप की जयंती नहीं मना रहे हैं, बल्कि उन नौजवानों को संदेश दिया जा रहा है कि जिंदगी में संघर्ष करोगे, मान और सम्मान के लिए लड़ोगे, मातृभूमि के लिए लड़ोगे, अपनों के लिए लड़ोगे, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ोगे, तो न रहने के बाद भी आप याद किए जाओगे, ये आज का दिन साबित कर रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत गौरव और सम्मान का दिन है, मैं यही कहूंगा। आज आप मऊ आए हुए हैं जी सर, बताएं आज आप मऊ आए हुए हैं जी, ये आज का दिन हम सबके लिए गौरव और सम्मान का दिन है, राणा प्रताप इस देश और दुनिया में शौर्य संघर्ष और त्याग की प्रतिमूर्ति थे, आप सोच सकते हैं कि जो 500 बरस पहले पैदा हुआ और आज भी जिंदा है, इसलिए राणा प्रताप जी 400-500 बरस पहले पैदा हुए और मरने के आज भी जिंदा है, अरावली की पहाड़ियों में कभी अरावली को कभी मेवाड़ और उदयपुर को गुलाम नहीं होने दिए, यही तो सच है और यही तो अच्छा दिन जो हम आज भी आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थे, मैं कल यमुना में था, मुझे बहुत कष्ट है यहाँ के आयोजक शास्त्रियों ने प्रोग्राम कहे और रखा था और नियम में शासन प्रशासन के दबाव में यदि राणा प्रताप का भी जन्मदिन नहीं मनाएंगे हम किसका जन्मदिन मनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के बल पर जमाने का और उस संघर्ष के लोगों को मध्यमेट करने की जो साजिश कर रही है, इस अपमान का बदला